लाइव में रुक करते हैं सीधे दुर्ग का, जहां दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी जी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, क्या कुछ खबरें आज दिन भर में सुर्खियों में रहने वाली हैं, और क्या कुछ जो मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बड़ी बात है अगर खबरों के बारे में बात करें, खासकर अपराध जगत को लेकर, तो जिस तरीके से पिछले दिनों दुर्ग पुलिस ने हैदराबाद में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महादेव बैटिंग ऐप, माफ कीजिएगा, लोटस 444 बैटिंग ऐप के संचालकों को गिरफ्तार किया था। और उसी दौरान एक युवक जिसका कि जो कि यही भिलाई कैंप 1 का रहने वाला है, और जब पुलिस ने रेड मारी थी तो एक कमरे से दूसरे कमरे भागने के चक्कर में एक खिड़की से कूद कर दूसरी खिड़की जाने के प्रयास में वह तीन मंजिले ऊंची इमारत से नीचे गिर गया, और इस दौरान उसे काफी गंभीर चोटें आई। बताया जा रहा है कि बीती रात उसकी मौत हो गई है। अब फिलहाल हैदराबाद पुलिस ने मर्ग कायम कर हालांकि पोस्टमार्टम कराया है, और उनके परिवार वालों को उस युवक के परिवार वालों को डेड बॉडी सौंप दी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह की कार्रवाइयों पर जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो क्या पुलिस दुर्ग पुलिस का क्या रुख रहेगा, और इस तरह से महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जो लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं उस पर कहीं इसकी आंच तो नहीं पड़ेगी। दूसरी बड़ी बात है कि अगर बात करें परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को लेकर, तो जहां स्कूल खुलते ही परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार स्कूली बसों की चेकिंग की जाती है, कागजातों की चेकिंग की जाती है, साथ ही वाहनों की भी, जो छोटी वाहनें होती हैं, वैन है, मिनी डोर है, ऑटो रिक्शा है, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जब एक दूसरी तरफ एक ऐसा वीडियो वायरल होता है दिल्ली पब्लिक स्कूल का, जिसमें एक स्कूल बस है जिसका बस नंबर 6 है, जिसमें बच्चे खचाखच भरे हुए हैं, और शिकायत के बाद भी उसके खिलाफ न तो ट्रैफिक पुलिस कोई कार्रवाई करती है, न ही परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। इस तरह से दोगला व्यवहार देखने को मिल रहा है प्रशासनिक अधिकारियों का। तीसरी बड़ी बात है, बात करें अगर चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर, तो इन दिनों दुर्ग जिले में चाकूबाजी की घटनाएं जो है आम हो चली हैं। अगर जामुल थाने क्षेत्र की बात करें तो वहां पर दो युवक युवतियों की लड़ाई झगड़े के बीच में एक युवक है जो कि उन्हें बचाने पहुंचता है, तो उसी दौरान आरोपी युवक के द्वारा चाकू लहराकर उस पर वार कर दिया जाता है, जिससे उसे गंभीर चोटें आती हैं, और इन गंभीर चोटों की वजह से उसे तत्काल अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इस तरह से कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित हो रही हैं। और जैसा कि आपने पूछा मौसम विभाग को लेकर, तो हालांकि पिछले 2 दिनों से सूखा पड़ा हुआ है। जी हां, इसके पहले दिनों लगातार शाम को या सुबह बारिश होती जरूर थी, मगर हल्की फुल्की बारिश के बाद किसानों को ऐसा लगा कि अब फसल की बुआई को लेकर अच्छा मौसम बन चुका है, वातावरण बन चुका है, मगर पिछले 2 से 3 दिनों से जो लगातार सूखे जैसी स्थिति दिख रही है, तो इससे किसानों के माथों पर चिंता की लकीर देखी जा रही है। जी सुबोध जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।